जनपद में शुक्रवार को जिला अस्पताल से 86 केंद्रों पर 45 साल के ऊपर के नागरिकों का वैक्सीनेशन किया गया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जनपद में जिला अस्पताल, महिला जिला अस्पताल, बीआरडी मेडिकल, सीएससी, पीएससी सहित 86 केंद्रों पर कोविड का टीकाकरण किया गया। उन्होंने बताया कि 45 प्राइवेट हॉस्पिटल भी टीकाकरण में शामिल है। शुक्रवार को 86 बूथों पर कुल 4576 लोगों का टीकाकरण किया गया, जिसमें पहले डोज में 3672 और दूसरे डोज में 904 लोगों का टीकाकरण किया गया। सीएमओ ने बताया कि जनपद में प्रतिदिन 6000 लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने जनपद में बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या पर कहा कि स्थिति सामान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग लापरवाही बरत रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बहुत आवश्यकता पर ही घर से मास्क लगाकर बाहर निकले तथा मास्क को सही ढंग से लगाएं और मास्क का हमेशा प्रयोग करें, तभी हम लोग कोरोना की चेन को तोड़ पाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, दर्द या बुखार होगा पैरासिटामॉल, तब कोई भी दर्द रहेगा तो दवाई खा लेना। दर्द या बुखार होगा आपको पैरासिटामॉल। आज हमारे 86 केंद्रों पर वैक्सीनेशन हुआ है और उसमें से हमारे जिला अस्पताल, पुरुष, महिला और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुआ है और हमारी कुछ अर्बन पीएससी पे हुआ है, हमारी सीएससी पीएससी रूरल सीएससी पीएससी पे हुआ है और हमारे करीब 45 प्राइवेट हॉस्पिटल्स उन्होंने वैक्सीन लिया है, वो लोग भी वैक्सीनेशन कर रहे हैं। जी हाँ, मुझे पब्लिक से अपील करनी है कि संख्या हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कल हमारे पास जो है 900 से ऊपर पॉजिटिव केसेस आए हुए हैं, क्योंकि हमने टेस्टिंग भी बढ़ा रखी है, करीब 6000 के आसपास हम टेस्ट कर रहे हैं। तो पब्लिक से अपील है कि मास्क, बाहर जब भी निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, भीड़ भाड़ के इलाके में बिल्कुल ही ना जाएं और ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। बहुत से लोग हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? जी हाँ, लापरवाही जो बरत रहे हैं उन्हीं का नतीजा तो हम लोग भुगत रहे हैं। तो लोग बिल्कुल लापरवाही ना बरतें, दो लोगों की जान से खिलवाड़ न करें, सभी लोग अपने दायित्वों का पालन करें, सब लोग समझें कि ये बीमारी बहुत ही आसानी तरह से जा सकती है, आसानी से। सिर्फ हमारे बिहेवियर में अगर ये आ जाता है कि हम भीड़ भाड़ के इलाके में न जाएं और मास्क लगा लें तो हम 90% जीत जाएंगे, इस बीमारी को हम मात दे सकते हैं। तो हमें जनता से अपील है कि इस तरह का बाहर न निकलें, भीड़ भाड़ में न जाएं, मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें, जिससे हम इस कोरोना को भगाया जा सके।